हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वेव मोशन अलोंग ए इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद जीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से वेव स्ट्रिंग है इनफाइनाइटली, ठीक है। उसने कहा है जो है हमारा एक्स है वो है माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी है, क्योंकि हमारी इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, ठीक है। और टी हमारा ग्रेटर देन जीरो है। साथ में उसने कहा है विद जीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल क्या होगा, जब हमारा टी जीरो होगा तो वाई एक्स टी होता है, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। जब उसने कहा है इनिशियल है तो इसका मतलब है जब हमारा टी है वो जीरो हो जाता है तो ये जीरो है, ये हमारी कंडीशन है। इसमें इस ये हम किसके लिए निकालते हैं, वेव मोशन। वेव मोशन के लिए हम इक्वेशंस लेते हैं डेल वाई डेल टी का स्क्वायर ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी डेल का स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। The initial value problem for displacement function is, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसी इक्वेशन में हमारी क्या हो गया, एक इक्वेशन हमारे लिए आ चुकी है, ठीक है। अब अगर हम इसका जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम क्या मान रहे हैं, इसे मान लेते हैं हम जी एक्स, ठीक है। नाउ लेट सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ, हम ले रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं, वाई एक्स टी एक्स एक्सिस टी टी, हमने ये सॉल्यूशंस का मान लिया। अब इसी का हमें क्या करना होगा, दो बार डिफरेंस करके फिर वैल्यू पुट करनी होगी। तो नाउ डेल वाई डेल का स्क्वायर डेल, एक बार हमें क्या टी की रिस्पेक्ट में करना होगा, टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डेल स्क्वायर टी डेल टी का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स टी डबल डैश डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स का स्क्वायर इस कॉस्ट में टी डेल स्क्वायर एक्स डेल एक्स का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं टी एक्स डबल डैश, ठीक है। अब इन दोनों ही वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इसे मान रहे हैं हम इक्वेशन टू, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखने के ऊपर क्या होगा, जो है वैल्यू रख रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा एक्स टी डबल डैश इस कॉस्ट में ए का स्क्वायर टी एक्स डबल डैश। अब इसी वाली इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं तो ये होगा टी डबल डैश ए का स्क्वायर टी इस कॉस्ट में एक्स डबल डैश एक्स। एल एच एस साइड डिपेंड ऑन टी एंड आर एच एस साइड डिपेंड ऑन एक्स, सो सॉल्यूशन कैन बी सॉल्व इफ ईच साइड इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। अब वो कॉन्स्टेंट हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर माइनस लैम्डा, ठीक है। अब इस लैम्डा के इक्वल रख रहे हैं हम डैश ए का स्क्वायर लैम्डा टी इज कॉस्ट में जीरो एक्स डबल डैश प्लस में लैम्डा एक्स इज कॉस्ट में जीरो, ये दो इक्वेशंस बनेंगी। इसे हम नाम दे रहे हैं थ्री और इसे दे रहे हैं
ये दो इक्वेशंस आ गई है हमारी। अब इन दो इक्वेशन से ही हम आगे केस करेंगे। केस फर्स्ट है व्हेन लैम्डा इज कॉस्ट में जीरो। अगर लैम्डा जीरो होगा तो नाउ इक्वेशन फोर क्या हो जाएगी, इक्वेशन फोर हो जाएगी हमारी एक्स डबल एक्स कॉस्ट में जीरो। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा एक्स एस ए एक्स बी। ठीक है, अब इसमें हमारा है जो है दिस इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन एज माइनस इंफिनिटी एक्स इंफिनिटी। अगर हम इसका मैं एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी लेते हैं तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो टू मेक इट बाउंडेड सॉल्यूशन हम क्या करेंगे ए कोई जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, हमारा क्या होगा एस कॉस टू में बी जिसमें हमारा क्या है लैम्डा जीरो पर आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू विद नॉन जीरो कॉन्स्टेंट आइगन फंक्शन। ठीक है, ये जो है कॉन्स्टेंट हमारा नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होगा, यही हमारा यहाँ आइगन फंक्शन आएगा कब जब हमारा लैम्डा इस कॉस्ट में जीरो होगा। नेक्स्ट केस करते हैं केस सेकंड व्हेन लैम्डा लेस देन जीरो होगा लैम्डा इस कॉस्ट में माइनस अल्फा का स्क्वायर हम भी मानेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी नाउ इक्वेशन फोर, ये फोर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी हो जाएगी एक्स डबल डैश यहाँ पर माइनस रखेंगे माइनस अल्फा का स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। और ये किसका सॉल्यूशन होगा ये होगा ए डैश ई अल्फा एक्स प्लस में बी डैश ई माइनस अल्फा एक्स ये आ जाएगा। बट ई अल्फा एक्स इज अनबाउंडेड जीरो से इन्फिनिटी में, जो जीरो से इन्फिनिटी का हम इंटरवल लेंगे उसमें ये वाला अनबाउंडेड मिलेगा एंड ई माइनस अल्फा एक्स इज अनबाउंडेड माइनस इन्फिनिटी टू इन जीरो, ये इसमें जीरो मिलेगा अनबाउंडेड मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं हमें सॉल्यूशन बाउंडेड लेना है तो हमें इन कॉन्स्टेंट को जीरो पुट करना पड़ेगा टू मेक द सॉल्यूशन बाउंडेड। We have to choose a b जो हमारे a और b डैश कॉन्स्टेंट है हम जीरो पुट कर रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा x इक्वल टू में जीरो। ठीक है, x इक्वल टू में जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रिबल सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि हमारी बाउंड्री वैल्यू की जो कंडीशन है उनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसलिए इस केस को हम क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं, दिस केस तो हमारी जो है फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी इस तरीके से हो जाएगी अल्फा एक्स इक्वल्स टू जीरो जिससे हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा एक्स एक्सिस के लिए सी कॉस अल्फा एक्स प्लस में डी साइन अल्फा एक्स ये सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि हमारा क्या है साथ बाउंडेड होता है विच इज बाउंडेड हैंस लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर इज आइगन वैल्यू एंड क्रॉसपोंडिंग आइगन फंक्शन इज एक्स एक्सिस C cos alpha x D sin alpha x। हमारे फर्स्ट केस में हमें कांस्टेंट मिला था, केस सेकंड हमारा रिजेक्ट हो गया था, अभी केस थर्ड है इसमें भी हमें वैल्यू मिल रही है तो हम क्या कर रहे हैं नाउ केस फर्स्ट एंड केस सेकंड केस थर्ड कैन बी कंबाइंड।
हम इसे कंबाइन कर रहे हैं, इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं कि जो जब भी हम वैल्यूज पुट करें तो वो सारी की सारी कैलकुलेट हो जाएगी, इस फर्स्ट की भी और इस थर्ड की भी। इसलिए हमने एक अलग कॉन्स्टेंट ले लिया, ए डैश कॉस अल्फा एक्स प्लस में बी डैश साइन अल्फा एक्स। इन दोनों के इस तरीके से वैल्यू है कि जब भी हम उन वैल्यूज को पुट करें तो केस फर्स्ट और थर्ड की वैल्यूज आ जाती हैं। नाउ वी सॉल्व फॉर टी, टी के लिए सॉल्व करेंगे। मान लो इन इक्वेशन थ्री को, इक्वेशन थ्री को सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं टी डबल डैश प्लस में ए का स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू हमारे क्या है अल्फा का स्क्वायर, टी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सॉल्यूशन होगा टी इज इक्वल टू में सी कॉस अल्फा ए टी, ठीक है, और डी साइन अल्फा ए टी। डैश ले लेते हैं, सी सी हमने पहले ले लिया, और एवरी अल्फा के लिए हमारे सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन हम मान लें फाइव, ठीक है, इसका हम आगे यूज करेंगे, और इसे मानेंगे हम, इसी का हम आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हमें पता है जो हमारी इक्वेशन थी वो किस तरीके से दे रखी थी, गिवन गिवन कंडीशंस, कंडीशंस क्या कंडीशंस, वो क्या थी हमारी x 0 पे 0 में, जो हमारा y x t है इसे हम लिख सकते x एक्सिस और t t। अब इसी में मैं क्या करूँ, t की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये होगा एक्सिस, तो एक्सिस रहेगा और t 0 इस कॉस्ट में 0, ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है, 0 हो जाएगा तो पूरी पूरी हमारा y x t 0 हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे जिस इम्प्लाइज देयर t डैश इज इक्वल टू में 0 x एक्सिस नॉट इक्वल टू में 0। यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी इक्वेशन को आगे हमें इसमें यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब इसी में जब यूज़ कर रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा, t 0 इज इक्वल टू में, अब जहाँ t है वहाँ 0 रखा तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी c, c डैश आ जाएगा, ठीक है, बाकी ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ से यही बचेगा और जो कि 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो नाउ टी टी इस कॉस्ट्यूम में टी डैश साइन अल्फा ए टी, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। फॉर एवरी अल्फा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डी अल्फा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमें वाई एक्स टी में फॉर एवरी अल्फा के लिए हमारा क्या सॉल्यूशन होता था, एक्स अल्फा टी टी अल्फा टी, ये सॉल्यूशन होता था हमारे लिए। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से होगा y अल्फा x t इस कॉस्ट में, एक वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक है। और इसकी वैल्यू रखेंगे डेल अल्फा डैश साइन अल्फा ए टी। अब इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है, अब इन दोनों में हमें क्या करना है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, उसकी वैल्यू को रहने दे रहे हैं। तब हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं ए अल्फा है डैश है और डी अल्फा डैश है, उसे मान रहे हैं ई अल्फा, ठीक है, और जो बी अल्फा डैश है और डी अल्फा डैश है उसके मल्टीप्लीकेशन को मान रहे हैं एफ अल्फा, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो इस तरीके से, ई अल्फा कॉस अल्फा एक्स एफ अल्फा साई अल्फा एक्स, ये हो गया साइन अल्फा ए टी आ जाएगा इसमें। अब इसी में ही हमें क्या करना है, एक्स टी में वाई एक्स टी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर जीरो से इन्फिनिटी वाई अल्फा एक्स टी डी अल्फा। अब इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम तो ये आएगी इन्फिनिटी ई अल्फा कॉस अल्फा एक्स एफ अल्फा साइन अल्फा एक्स, ये हो गया इसे साइन अल्फा, ये हो जाएगा इसे, और इसके साथ आ जाएगा डी अल्फा। अब इसी का अगर मैं डिफरेंशिएशंस करूं डेल वाई टी के रिस्पेक्ट में एक्स टी, ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, जीरो से इन्फिनिटी, ये तो कांस्टेंट रहेंगे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस अल्फा एक्स एफ
अल्फा साइन अल्फा एक्स, ठीक है, ये हो गया, और इसका हो जाएगा कॉस अल्फा ए टी डी अल्फा, कॉस का साइन हो जाएगा और हमारे कॉन्स्टेंट क्या आ जाएंगे, अल्फा और ए आ जाएंगे। अब इसी में हमें क्या करना है, टी को अगर मैं जीरो पुट करती हूँ तो वो हमारा क्या हो जाता था, जी एक्स, हमने ये कंडीशन मानी थी, हमारे लिए यही कंडीशन थी कि जो है इनिशियल वेलोसिटी है हमने जी एक्स मानी थी और अल्फा, तो ये हो गया हमारा डेल वाई टी एक्स इक्वल्स टू में जीरो, इस पे रखा हमने, ठीक है, तो टी को जीरो रखेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी, इन्फिनिटी टी अल्फा कॉस अल्फा एक्स प्लस में एफ साइन अल्फा एक्स डेल अल्फा, ये सारी वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हमारे कॉन्स्टेंट क्या हो जाएंगे, नाउ कॉन्स्टेंट इज, अब इस वाले कॉन्स्टेंट के हम कैसे निकालेंगे, अल्फा ए अल्फा इक्वल्स टू में आ जाएगा 1/5 माइनस में रिलेटिव टू इनफिनिटी जी जाई कॉस अल्फा जाई डी जाई, ठीक है, तो हमारा ई अल्फा हो जाएगा 1/अल्फा ए पाई माइनस रिलेटिव टू इनफिनिटी जी जाई कॉस अल्फा साई डी जाई, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम एफ अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं 1/अल्फा ए पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल जाई, और इसमें क्या जाएगा साइन अल्फा जाई डी जाई आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज को हमें ई और एफ की वैल्यू को इसमें पुट करना है, ये हमारी क्या है वाई एक्स टी है, ठीक है, इसी में अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देती हूँ तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई एक्स टी। अब इसी में हमें क्या करना है, जीरो से इंफिनिटी आगे परफेक्ट, अब इसी में ई अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं तो ये आएगी 1/अल्फा ए पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी जाई कॉस अल्फा जाई डी जाई, ये हो गया, इसको बंद करो, फिर कॉस अल्फा एक्स ये हो गया, उसके बाद है एफ अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं, अब एफ अल्फा की वैल्यू हम रखते हैं तो ये है अल्फा ए पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी जी जाई साइन अल्फा जाई डी जाई, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसी में हमें क्या करना है, अभी लिखना है साइन अल्फा एक्स, ये हो चुका है, अब इसे ब्रैकेट को बंद कर दिया हमारा, जो ये ब्रैकेट हमारे यहाँ से चालू हुआ था, और फिर हम ले लेंगे जो हमारे लास्ट है साइन अल्फा ए टी डेल अल्फा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा।